नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड फंडा में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली स्वीट रेसिपी लाई हूँ, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लें, अगर नॉन स्टिक है तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि नॉन स्टिक में ये जल्दी चिपकती नहीं है। और इधर मैंने अपने एक कप में मैंने लगभग 7 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, और बाद में मैंने 1 चम्मच और लिया था, तो इस तरह मैंने 8 चम्मच लिया। इसलिए मैं एक बार में ही आपको 8 चम्मच बता दे रही हूँ, क्योंकि सुबह इसमें मैंने 7 चम्मच लिए हैं और ऊपर से मैंने 1 चम्मच और डाला था। तो 8 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर ले लें। देखिए साइड में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कतर के रख लिए हैं, बारीक बारीक चॉप करके। और अब मैं इसे इस कॉर्नफ्लावर को पानी से घोल लूँगी। बहुत ही कम तेल घी में ये बहुत ही झटपट लगभग 5 से 7 मिनट में बनने वाली यह स्वीट डिश है। अगर आपके घर में कोई आते हैं मेहमान तो आप इसे तुरंत ही बना के उन्हें सर्व कर सकती हैं। ये खाने में जितनी टेस्टी है उतने ही बनाने में आसान है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। 2-3 इंग्रेडिएंट से बनी है ये। बाकी हलवा बनाने में हमें जितना टाइम लगता है, इसे बनाने में कुछ भी आपको समय नहीं लगेगा। अब देखिए मैंने इसे घोल लिया है। मैंने तो इसमें बाद में चीनी डाला था, लेकिन अगर आपसे नहीं संभले तो आप किसी समय चीनी भी इसमें घोल सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी बाद में डाला था। इसे हमें अच्छा पतला बैटर बना लेना है, और अब हम इसे सादे कढ़ाई में डाल के चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगी, और इसे लगातार चलाते रहिए, क्योंकि यह तुरंत ही गाढ़ा होने लगता है। मैंने इसमें 1 चम्मच अभी देखिए ऊपर से फिर डाला, इसलिए मैंने आपको 8 चम्मच बतलाया है। बहुत ही हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी है। इसमें किसी भी तरह के ज़्यादा घी तेल का प्रयोग नहीं है। इसमें लगभग 1.5 से 2 टीस्पून आपको प्योर घी लगेगा। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या किसी भी अन्य ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कोई खास स्मेल नहीं हो। एक क्लिप मुझसे थोड़ी सी ये हो गई है, डिलीट हो गई है। इसमें मैंने घोलते समय थोड़ा सा मैंने वेनिला एसेंस मिला दिया था, वेनिला फ्लेवर देने के लिए। अगर आप वेनिला एसेंस नहीं डालना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर मिला सकते हैं, या अपने मनपसंद का कोई भी फ्लेवर और कलर इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर और येलो कलर डाल दीजिए। मैंने इसमें येलो कलर तो डाला था, लेकिन इसका फ्लेवर वेनिला वाला रखा था। और देखिए ये तुरंत ही गाढ़ा होने लगते हैं, इसलिए एकदम लगातार ही हमें इसे चलाते रहना होगा। अगर आप प्लेन कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे 1 मिनट भी मत छोड़िएगा, लगातार चलाते रहिएगा। देखिए देखिए तुरंत ही गाढ़ा होने लगा है।
बस हमें इसे इतना देर तक चलाते रहना कि ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाए। इसी समय आप इसमें चीनी मिला दीजिए, मैंने इसमें बाद में मिलाया था, लेकिन आप इसी समय अगर चीनी मिला दीजिएगा तो चीनी अच्छी तरह से और भी घुल जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है हलवा। देखिए कितने जल्दी ये गाढ़ा होने लगा और पूरी तरह गाढ़ा हो रहा है। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूंगी। इस समय आप इससे पहले ही चीनी डाल दीजिए, मैंने इसमें पहले घी डाला है और कलर डाला है। घी देखिए मैंने बस 1.5 से 2 चम्मच डाला था। इसे बस हमें अच्छी तरह चलाते हुए पकाना है। मैं चीनी डालने में थोड़ा देर कर दी थी, लेकिन आप चीनी थोड़ा पहले या तो घोलते समय डाल दीजिएगा या जिसमें ये गाढ़ा हो रहा है उस समय डाल दीजिएगा, उससे चीनी और अच्छी तरह से पक जाएगी और हैंडल करने में आपको ये हलवा दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक चुटकी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर डाल सकते हैं। मेरे पास येलो कलर थे, मैंने येलो मिलाया। इसमें आप रेड, ग्रीन, किसी भी कलर का, अगर आप पाइनएप्पल डाल रहे हैं तो येलो मिलाइए, अगर आप केला का फ्लेवर डाल रहे हैं इसमें तो ग्रीन मिलाइए। इस तरह से आप किसी भी फ्लेवर को इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी मिला दूंगी। चीनी लगभग 5 चम्मच है। अच्छी तरह से कलर को मिला लीजिएगा। जैसे जैसे ये पकने लगेगा कढ़ाई खुद ब खुद छोड़ने लगेगा। इसे चलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने चीनी थोड़ा लेट में मिलाया है, लेकिन आप पहले मिला दीजिएगा। लगभग 1/2 कप मैंने इसमें चीनी मिलाया है। अब चीनी के अच्छे तरह से पकने तक हम इसे चलाते रहेंगे। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं, 3 से 4 दोस्तों।
उसमें मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून घी डाला है। अब हमें चीनी और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से, जब तक हमारे कढ़ाई नहीं छोड़ने लगे तब तक मिला लेना है। तब तक मैंने एक थाली में ऑयल ग्रीस करके रख लिया था, और जब ये पक जाए तो हमें इसे थाली में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। देखिए अब चारों तरफ से कढ़ाई छोड़ने लगा है, बस इसे मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसे बस अच्छी तरह से मिलाना है हमें। इसमें आप जिस भी तरह का कलर डालेंगे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अलग अलग तरह का कलर और अलग अलग तरह के फ्लेवर भी आप डाल सकते हैं। ऑरेंज कलर, ऑरेंज फ्लेवर डाल सकते हैं, रेड कलर डाल सकते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ। बस इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी है। इंग्रेडिएंट्स बस इतने ही रहेंगे। मैंने इसमें वनीला फ्लेवर दिया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बने थे, ज़रूर बनाइए। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए हुए हैं, आपके 5 से 7 मिनट में आपका ये आपकी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैंने आधे तो ड्राई फ्रूट्स में मिला दिए थे, और तब देखिए अब मैंने इसमें जो घी डाला था उसे मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। कढ़ाई से इसे निकाल के और अच्छी तरह से जल्दी से इसे स्पेचुला के सहायता से या किसी प्लेन सरफेस के सहायता से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अभी गर्म है, थोड़ा सा सावधानी से हैंडल कीजिएगा, और बस हमारे इन्हें पीसेज में काट के अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये हलवा तैयार है आपके। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में ही बेल भी जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनी, बहुत ही स्वादिष्ट ये बर्फी हलवा है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है और बनाने में भी कम टाइम लगता है। मैं इसे स्प्रेड करके इसे पीसेज में काटती हूँ, उसके बाद आपको आगे की वीडियो दिखलाती हूँ। सबसे अच्छे किसी समतल बर्तन या कटोरे से भी आप इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये स्प्रेड होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे कॉर्नफ्लावर के हलवे एकदम रेडी टू ईट है। ये कितने टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों, दोस्तों और फैमिली और फ्रेंड्स को अवश्य खिलाइए। ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है और आपको तारीफ भी ढेरों मिलेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।